नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। भाजपा, जदयू, राजद और वामपंथी दल समेत अन्य दल के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कर रहे हैं पुरजोर कोशिश। 3 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र वापस लेने का काम आज समाप्त। अंतिम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, मंत्री विजेंद्र यादव और विनोद नारायण झा ने भरा पर्चा। विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की 8 सीटों के लिए चुनाव प्रचार कल शाम हो जाएगा समाप्त। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य स्टार प्रचारकों की चुनावी सभाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने जारी किया अलर्ट। बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ। कोविड 19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। पहले और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान चरम पर है। एनडीए और महागठबंधन समेत अन्य राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गया, औरंगाबाद और जहानाबाद में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री कुमार ने गया के टेकारी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में हर घर में बिजली है, हर गांव तक सड़क है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज है। श्री कुमार ने कहा कि अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि आपको ये ख्याल रखना है कि आपका विकास न रुके, आप विकास की मुख्य धारा से जुड़े रहें। वहीं राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने गया और नवादा जिले में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र और मोदनगंज में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि इस बार महागठबंधन की सरकार बननी तय है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य को अगर विकास के पथ पर ले जाना है तो उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की 8 सीटों के लिए चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान 22 अक्टूबर को होगा जबकि 12 नवंबर को मतगणना होगी। जिन सीटों के लिए चुनाव होना है उनमें पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तथा पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इधर विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न दलों के नेताओं और स्टार प्रचारकों की सभाओं के दौरान हमले की खुफिया सूचना को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। पहले चरण में 71 विधानसभा सीटों में से कई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हैं। पुलिस मुख्यालय के अपर महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने कहा है कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और सभी रेंज के आईजी और डीआईजी को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी रैली और सभा स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने को कहा गया है। गौरतलब है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर से राज्य में चुनावी सभाओं की शुरुआत कर रहे हैं। वे चुनाव प्रचार के दौरान अलग अलग स्थानों पर 12 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कई चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का कार्य आज समाप्त हो गया। इस चरण के लिए 1698 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। चुनाव आयोग के अनुसार जांच के बाद 1510 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए। सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र से 8, बेलसंड विधानसभा क्षेत्र से 15 और सीतामढ़ी क्षेत्र से 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वहीं पटना जिले के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 22, कुम्हरार में 24, फुलवारी शरीफ में 26 और मनेर में 22 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि दानापुर विधानसभा क्षेत्र में 1 प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद 19, बख्तियारपुर से 4 प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद 14 और पटना साहिब से 1 प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा।
विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इस चरण में अब तक 337 उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। समस्तीपुर जिले के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र से निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष और जदयू प्रत्याशी विजय कुमार चौधरी ने, मधुबनी जिले के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और मंत्री विनोद नारायण झा ने पर्चा भरा। सुपौल विधानसभा क्षेत्र से ऊर्जा मंत्री जदयू के विजेंद्र प्रसाद यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के संतोष सिंह ने भी इसी सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। सीतामढ़ी जिले में परिहार विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार रितु जायसवाल ने आज अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के अशोक कुमार, लोजपा की उर्मिला सिन्हा और रालोसपा के विनोद कुमार सिंह ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं समस्तीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से राजद के अख्तरुल इस्लाम शाहीन जबकि जदयू की ओर से अश्वमेघ देवी और लोजपा के महेंद्र प्रधान ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इधर सुपौल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की ओर से मिनतुल्ला रहमानी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। दरभंगा जिले के केवटी विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। सीतामढ़ी जिले के सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से राजद के सैयद अबू दोजाना, लोजपा के माधो चौधरी ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। वहीं रीगा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के अमित कुमार टुन्ना ने नामांकन पत्र दाखिल किया। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पांडे ने नामांकन पत्र भरा। कटिहार जिले में कटिहार सदर सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता और मौजूदा विधायक तारकिशोर प्रसाद, कोड़ा से भाजपा प्रत्याशी कविता देवी पासवान और जन अधिकार पार्टी के वकील दास, कदमा विधानसभा क्षेत्र से जदयू के सूरज प्रकाश राय और कांग्रेस के शकील अहमद खान और बरारी विधानसभा क्षेत्र से जदयू के विजय सिंह निषाद, राजद के नीरज कुमार यादव, लोजपा से विभाष चंद्र चौधरी तथा बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई माले के महबूब आलम और वीआईपी से करुण झा, मनिहारी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के मनोहर प्रसाद सिंह और लोजपा के अनिल उराव तथा प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से तौकीर आलम ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। तीसरे चरण के लिए कल नामांकन का अंतिम दिन है। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर है। तीसरे चरण के लिए मतदान 7 नवम्बर को होगा। इधर वाल्मीकिनगर संसदीय क्षेत्र में 7 नवम्बर को होने वाले उपचुनाव के लिए अभी तक मात्र एक नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं और अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पटना से विधानसभा चुनाव पर विशेष रिपोर्ट की श्रृंखला। चलो करें मतदान, आओ चले आगे बढ़े लोकतंत्र गढ़े। विशेष रिपोर्ट की श्रृंखला में आइए सुनते हैं मुंगेर जिले के चुनावी परिदृश्य को रेखांकित करती हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। मुंगेर जिले में तीनों सीटों तारापुर, जमालपुर और मुंगेर पर कुल 59 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। जमालपुर सीट से मौजूदा विधायक और ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार पांचवीं बार जदयू से चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं कांग्रेस ने अजय कुमार सिंह को मैदान में उतारा है। राजद के बागी दुर्गेश प्रसाद सिंह के लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव में उतरने से जमालपुर में रोचक मुकाबले के आसार हैं। तारापुर से जदयू ने मौजूदा विधायक मेवालाल चौधरी को फिर से मौका दिया है। जदयू प्रत्याशी मेवालाल चौधरी सबौर कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्ति घोटाले में अभी जमानत पर हैं। तारापुर का 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके शकुनी चौधरी इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। इधर राष्ट्रीय जनता दल ने इस सीट पर युवा उम्मीदवार में भरोसा जताया है। 28 वर्ष की दिव्या प्रकाश तारापुर से सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री जय प्रकाश नारायण यादव की बेटी हैं। मौजूदा विधायक विजय कुमार विजय मुंगेर सीट से राष्ट्रीय जनता दल का टिकट नहीं पा सके हैं। इस बार अविनाश कुमार विद्यार्थी राजद के प्रत्याशी हैं, जबकि भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव के उप विजेता प्रणव कुमार में भरोसा जताया है। लोक जनशक्ति पार्टी के अलावा राष्ट्रीय लोक समता
पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जन अधिकार पार्टी ने भी अपने अपने प्रत्याशियों को जिले की विभिन्न सीटों पर चुनावी अखाड़े में उतारा है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद। हमारे संवाददाता ने बताया कि पटना जिले की मोकामा विधानसभा सीट पर इस बार रोचक मुकाबला है। पटना जिले की मोकामा सीट पर चुनावी राजनीति का पहिया पिछले 15 साल से अनंत सिंह के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। गंगा के टाल और दियारा के दुर्गम क्षेत्रों की तरह मोकामा की राजनीति भी स्थानीय मुद्दों और सामाजिक समीकरणों के कारण जटिल मानी जाती है। वोटरों के मन में इस बार क्या है, उसका खुलासा तो चुनाव परिणाम के बाद ही होगा। 2005 से लगातार चार बार मोकामा का प्रतिनिधित्व कर रहे अनंत सिंह इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बेबाक बोल के लिए चर्चित अनंत सिंह कई आपराधिक मामलों में आरोपी हैं और जमानत पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। अनंत सिंह ने जदयू के उम्मीदवार नीरज कुमार को पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 18,000 वोट से अधिक के अंतर से हराया था। इस बार जनता दल यूनाइटेड ने अपने पुराने कार्यकर्ता राजीव लोचन नारायण सिंह को टिकट दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में जहां 15 प्रत्याशी थे, वहीं इस बार संख्या घटकर 8 रह गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से अभिषेक दास। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 94.47% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 1,94,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इधर विभिन्न जिलों से पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 912 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 205,124 हो गई है। नई दिल्ली की डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने त्योहारों के मौसम में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए 4 प्रमुख सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की है। उन्होंने अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 से संक्रमित होने की स्थिति में खुद को आम लोगों से अलग रखने की आवश्यकता पर बल दिया। 4 चीजें हाथ अपने साफ रखने हैं, मास्क हमेशा पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है और खांसी जुकाम किसी का गला खराब हो तो अपने को अलग रखना है। और त्योहार के समय में अभी सीजन में इसका और खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम ये सावधानी नहीं बरतेंगे तो अपने घर वालों के अलावा दूसरों को भी कोरोना फैला सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की। यह योजना देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में सहयोग करने के लिए सहकारी समितियों की पहल है। इस योजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC ने बनाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। भाजपा, जदयू, राजद और वामपंथी दल समेत अन्य दल के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कर रहे हैं पुरजोर कोशिश। 3 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र वापस लेने का काम आज समाप्त। अंतिम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, मंत्री विजेंद्र यादव और विनोद नारायण झा ने भरा पर्चा। विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की 8 सीटों के लिए चुनाव प्रचार कल शाम हो जाएगा समाप्त। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अन्य स्टार प्रचारकों की चुनावी सभाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।